अंकिता बोलो ना, क्या बात है? इस तरह से इतनी सुबह मेरे घर पे क्यों चली आई? शेखर, तुमने मुझसे कहा था कि मुझे कभी भी अगर मदद की जरूरत हो तो मैं हक से तुम्हारे पास आ सकती हूँ। मैं उसी हक से तुम्हारे पास आई, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे नरेंद्र सर का इलाज कराना है और इसमें सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ क्या बात है? शेखर, वो मैं नरेंद्र सर के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ जो पहले से भी ज्यादा रिस्की है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है? बहुत कुछ। एक रास्ता है, लंदन में नरेन की आंखों के सामने जो एक्सीडेंट हुआ, आहना कार को आग लगा, मगर नरेन उसे बचा नहीं पाया। अगर किसी तरह से हम नरेन की आंखों के सामने दोबारा ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सके, और इस बार अगर नरेन उसे बचा पाया तो शायद। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में? एक जान बचाने के लिए तुम दूसरी जान खतरे में डालना चाहती हो? कैसी ट्रीटमेंट है ये अंकिता? ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, समझी तुम? मैं सब जानती हूँ शेखर, लेकिन मेरे पास और कोई इलाज नहीं। मैं किसी भी हालत में नरेंद्र को ठीक करना चाहती हूँ। तुम नहीं जानते, मैंने नरेंद्र को अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने इस तरह बांध के रखा, उनके हाथों पे इतनी चोट लगी हुई है। मैंने देखा है, वो कोई जानवर नहीं है शेखर, वो इंसान है और वो बहुत अच्छे है। मैं किसी भी तरह नरेंद्र को बचाना चाहती हूँ। बस मेरा यही मकसद है कि मैं नरेंद्र को उस घर से बाहर निकालूं। किसी भी तरह नरेंद्र को मैं भी बचाना चाहता हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करो, ये ट्रीटमेंट बहुत ही डेंजरस है। मुझे पता ही डेंजरस है शेखर, मैं खुद भी जानती हूँ, लेकिन तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे नरेंद्र को बस मुझे ठीक करना है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं चाहती हूँ बस वो किसी भी तरह ठीक हो जाए। मैं चाहती हूँ मेरे नरेंद्र मेरे पास वापस आ जाए। अब चाहे इसमें मेरी जान जाए या मैं मर जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं समझ सकती, मैं नहीं समझ सकती शेखर, प्लीज। सिचुएशन को समझो तुम। तुम एक तो नरेंद्र के पास नहीं जा सकती, उसका पूरा परिवार नरेंद्र को घर के बाहर नहीं निकलने देता, और ऐसे वक्त में अगर कुछ हो गया तो। I'm sorry, अंकिता, लेकिन ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, और अगर तुम ऐसी कोई ट्रीटमेंट करोगी तो मैं तुम्हारे और नरेंद्र के बीच में आगे खड़ा रह जाऊंगा। अजीत, तो आज खाने में आलू की येलो सब्जी, कोकोनट की चटनी, पूरियां और मसाला भात, ठीक है? और बासुंदी बना ले। और हाँ, बासुंदी। एक अंगूठी नहीं ढूंढ पा रही है। कमर वाक करो, कमर वाक करो, बैठ नीचे। जब देखो तभी बार्बी डॉल बन के घूमती रहती है, काम नहीं होता। एक नहीं मिल रहा है अजीत, आप खुद देख लीजिए ना। मैं ढूंढू? ये उम्र में तू मेरे से काम करवाएगी? मैं रॉबर्ट को बुला दूं क्या? तू नौकर को बुलाएगी? मैं नहीं बुला सकती। अरे बड़ी सास ने एकाध बार एकाध काम बोला, वो करेगी तो तेरे हाथ घिस जाएंगे क्या? ढूंढ ढूंढ बराबर कुछ काम नहीं आता है। नखरे करके बैठने को बोलो इसको। अब ये सब भी करना पड़ेगा मुझे इस घर में। ये लीजिए आज मिल गए। मिले? वाह 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 वाह, सत्कार करायला पाहिजे। दे, जैसे अंगूठी ढूंढ निकाली बड़े उपकार किए। चल जा। क्या देखती है? आपकी सास तो कोल्हापुरी मिर्ची से भी ज्यादा तीखी है। ये लड़की, ए क्या बोली तू? क्या बोली तू मेरे बारे में? कुछ तो बोली, बोली कि नहीं? झूठ मत बोल। आई ऐसा कुछ भी नहीं, वो बस आपका थोड़ा गुस्सा देखकर डर गई थी। वो यहाँ नहीं आई है ना, लेकिन मैंने उसे समझा दिया कि आप जैसी दिखती हैं वैसे आप बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो मुझे बता मैं कैसी हूँ? आप बहुत अच्छी हैं। तू खुद अच्छी है, इसके लिए सबको अच्छा बोलती है। ये लड़की हंस क्या रही है? हाँ? तुझे मालूम है ये जब हमारे घर में शादी करके आई थी तभी मैंने इसको इतना सताया
उसका जीना हराम कर दिया था। पर क्यों? मेरी मति मारी गई थी, अच्छी बुरे की पहचान नहीं थी, ये हीरे को कंकड़ समझ के सताया। छोड़िए ना आई, इतनी पुरानी बातों को कहाँ लेकर आप बैठे, वो भी उसे क्यों बता रहे? अरे हाँ, इसको इतना सताया मैंने, लेकिन बाद में जाके मैंने इसकी इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है। हमारी महारानी चाली के पहले माले से गिर गई थी, अपना पैर तुड़वा लिया था, फिर जाके मैंने इसकी सेवा की, इसको बाथरूम तक लेके जाती थी मैं। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद, उसी वक्त से हमारा रिश्ता एक दूसरे से कितना अटूट जुड़ गया था। आपने मेरी बहुत सेवा की सच्ची। हाँ प्रिया, और तभी से सास बहू का रिश्ता एकदम मजबूत हो गया। आई, लेकिन एक बात कहूँ, उस वक्त जो कुछ भी हुआ ना, बहुत अच्छा, क्योंकि तब से लेकर अब तक आपके लिए मेरा प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया है, मैं आपसे बहुत ज्यादा ही प्यार करने लगी। मुझे ऐसा लगता है मैं भी तुझे प्यार करती। आजी, आपको पता है मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, बहुत सारे सीरियल्स भी देखे हैं, पर आप दोनों जैसा सास बहू का रिलेशन मैंने कहीं नहीं देखा। यही तो है, ये कोई सीरियल या फिल्म नहीं, ये हमारी हकीकत है। बिल्कुल, हकीकत में सास बहू का रिश्ता अजीब होता है, लेकिन शादी करने के पहले थोड़ा सोच जरूर लेना। आई, लेकिन अभी वो बच्ची है, अभी उसकी शादी होने का कितना वक्त है, आप भी कहां से कहां पहुंच गए। अरे छोटी है, कल जाके बड़ी होने वाली है ना। आई, लेकिन अरे उम्र क्या, देखते देखते बढ़ती जाती है, इसीलिए लड़की को मैंने आगा किया। सुन ले आप, क्या हेलो नरेन। हेलो शेखर, आओ बैठो। देख दोस्त, तेरे फेवरेट फ्लावर्स। आंटी, ये नरेन को इस तरह से बांध के रखना जरूरी है? हमें भी अच्छा नहीं लगता उसे ऐसे बांध कर रखना। We don't have a choice। अचानक आता है तो बहुत वायलेंट हो जाता है, दूसरों को चोट पहुंचाता है, वो तो ठीक है, पर उसे देखो, अपने आप को भी चोट पहुंचाता है। He's hurt himself so badly। ये क्या हो गया तुझे दोस्त? कैसा प्यार है ये? जख्म तुझ पे लगे, इन दर्द हम सबको हो रहा है यहाँ पे। खोल अपनी, बात कर हमसे। शेखर, शेखर, इस समय सब कहने का कोई फायदा नहीं है। डोंट थिंक ही इज एबल टू हियर एनीथिंग। वो तो हम लोग को पहचान भी नहीं पा रहा है। तो बाहर आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूं। कम कम आओ। पापा, मैं आपको पहले नहीं मानती थी,
लेकिन नरेन सर की वजह से मेरा आप पर विश्वास बना, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ कीजिए बप्पा, उनकी हालत देखिए, उन्हें ठीक कर दीजिए प्लीज। आज तक आपने उन्हें सारी खुशियाँ दी, प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए गणपति बप्पा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ मेरे नरेन सर वापस मेरे पास आ जाए। मैं चाहती हूँ कि बस वो अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी। मेरी मदद कीजिए बप्पा, प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। हेलो हेलो अंकिता, मुझे तुमसे मिलना है, जल्द से जल्द। मानव, ये पुरानी फोटोज क्यों देख रहे हैं? ऐसी पता नहीं क्यों अर्चना, आज पुराने दिन याद आ गए। तुम ये फोटोज देखकर उन्हीं पलों को फिर से जीने की कोशिश कर। एक्चुअली अर्चना, मैं नहीं जानता कि इन पार्टीज और इन फंक्शन में कौन फोटोग्राफर थे, क्या नाम था उनका, लेकिन वो जो भी थे मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। जो जिंदगी मेरे हाथ से चली जा रही थी उस जिंदगी को उन्होंने पकड़ कर रखा है। एनिवर्सरीज, बर्थडेज, एंगेजमेंट, मेरे लाइफ के एक एक पल को उन्होंने पकड़ कर रखा है, जवान रखा है यहाँ इन फोटोज में। अर्चना, ये फोटोज नहीं होते तो हम कैसे? छोड़िए ना मानो, आप फोटो देखिए। ये फोटो देखो, भूवी और तेजू का जन्म हुआ था, चार चार बच्चे थे घर में, हमारा आधा दिन तो इनके पीछे भागने में ही निकल जाता था। ये फोटो देखो, यहाँ तुम पानी की लाइन में खड़ी हो। मुझे याद है, सुबह सुबह 5 बजे आपने मेरी ये फोटो खींची थी। हाँ, और तुम बहुत नाराज हुई थी, तुमने कहा था कि ये भी कोई फोटो खींचने का वक्त है माना। और मैंने कहा था जब तुम नींद से जागकर अध खुली आंखों से यूं पानी भरने जाती हो ना, मुझे बहुत खूबसूरत लगती। और ऐसा रोज ही होता होगा ना, आज ही लाइन में खड़े होकर पानी भरती थी और आजोबा आप उनकी मदद करते थे और पानी भरने के बाद आप उनके लिए चाय बनाते थे, है ना? ये सब तुम्हें कैसे पता? सुलक्षणा आज ही ने बताया। अच्छा, चाय पीजिए ना, मैंने आपके लिए स्पेशली अदरक वाली चाय बनाई है। ये फैमिली फोटो है, मैं देख सकती हूँ? आप कितनी सुंदर लगती थी, हम आपकी फैमिली कितनी बड़ी है और सब लोगों में कितना प्यार भी है। और ये पिक्चर, इसमें तो अजीब सब लोग हैं। और ये कौन है? रियली सॉरी आजी, मुझे याद नहीं रहा। ये सोहम मामा है ना, आई मीन परी के मामा है ना। मैं भी ना कभी कभी इतनी पागल हूं मैं, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके प्रिया, कोई बात नहीं बेटा। मैंने आप सही कह रहे थे, हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने जाने अनजाने ही हमारी फोटो खींची हो, क्योंकि अगर वो लोग हमारी फोटो नहीं खींचते तो आज शायद हमारे पास ये यादें नहीं होती। हमारे पास हमारी सोम की फोटो नहीं होती। मानव, मुझे अभी ऐसा लगता है, काश सोम जिंदा होता, हमारे साथ होता, उसके बच्चे होते, उसकी बीवी होती, उसे बहुत प्यार करते। आजी चाय पीजिए ना, आजोबा आप भी लीजिए ना चाय, मुझे बताइए कैसी बनी है।
अच्छी बनी है ना? मुझे पता था आपको बहुत अच्छी लगेगी। परफेक्ट। थैंक यू। तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, नरेन ये सब जरा भी डिजर्व नहीं करता। मैं उसे कॉलेज के टाइम से जानता हूं, लोगों को हंसाना, खुश रहना, सबके साथ मस्ती करना, यही सब करते आया वो। कभी किसी का बुरा नहीं चाहा उसने, और आज देखो किस तरह से बांध कर रखा गया है उसे। ऐसा लगता है कि मैंने अपने दोस्त को खो दिया है। अंकिता, नरेन को वापस लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, तुम्हारी सारी मदद करने के लिए मैं तैयार हूं। गाड़ी और बाकी सारी चीजों की अरेंजमेंट हो जाएगी। डर सिर्फ इस बात का कि तुम नरेन को कैसे घर से बाहर निकालोगी। शेखर, में मैं नहीं जानती कि क्या करना है, कैसे होगा सब कुछ। मुझे बस इतना पता है कि मुझे नरेन सर को उस घर से बाहर निकालना है किसी भी तरह, और उस जगह पर लेकर जाना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट, प्लीज मेरी मदद कर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या मौका है जिससे मैं नरेन को बाहर निकाल सकता हूँ। जैसे ही मेरे दिमाग में कोई आइडिया आएगा मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। okay. Just make sure that you are ready. ठीक है। मैं चलता हूँ। All the best. फोन करना जल्दी। आइए हम दिखाते हैं आपको ये गरीब बच्चे किस तरह से जी रहे हैं, इन सड़कों पर कैसे रहते हैं। देखिए, शशांक तुम कैसे हो और मनु कैसी है? मैं ठीक हूँ, सब लोग ठीक हैं। तुम कहाँ पर हो? शशांक थोड़ा अगर अर्जेंट काम है तो बताओ, नहीं तो मैं बाद में बात करूँ। दरअसल मैं नरेन सर को लेकर वो साइकेट्रिस्ट के पास आई थी। ठीक है। सॉरी शशांक, तुम्हें झूठ बोलना पड़ा। अगर दो मिनट भी तुमसे बात करती तो शायद तुम्हें सारी सच्चाई बतानी पड़ती, जो मैं नहीं चाहती थी। I'm sorry. अंकिता ने मुझसे झूठ क्यों बोला? और वो इस तरह से रास्ते में बैठ के रो क्यों रही है? आखिर हुआ क्या? अंकिता, एक दो दिन के अंदर लंदन के क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनका केस लिटिगेशन में फंसा हुआ है, नरेन का मिलना उनसे बहुत जरूरी है, इज द फेस ऑफ द कंपनी। वो तो आई नो, बट वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। क्या करेंगे? डोंट अंडरस्टैंड, किस तरह उनको डिस्ट्रैक्ट करें, क्या करें? सम पार्टी, समथिंग। वैशाली, व्हाट नॉनसेंस, नरेन की तबीयत ठीक नहीं है और तुम दोनों पार्टी करने की बात कर रहे हो? भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम क्लाइंट को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो इस वक्त जो कंपनी की स्टेट है ना, उस तरफ उनका ध्यान जाएगा। और ये केस लिटिगेशन में है, नरेन का उनका मिलना बहुत जरूरी है। अगर क्लाइंट को मालूम पड़ गया कि नरेन की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, आप इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा। लेकिन दे कैन जस्ट स्टॉप एवरीथिंग। एग्जैक्टली। सुनंदा, रोशा आंटी ठीक कर रही है। राइट। अगर कंपनी पार्टी थ्रो करती है तो क्लाइंट्स को यही लगेगा कि कंपनी के हालात बहुत ठीक है। इनफैक्ट वो कोई पूछताछ ही नहीं करेगी। एवरीथिंग विल बी फाइन। पर अगर पार्टी में किसी ने नरेन के बारे में पूछा तो क्या जवाब देंगे हम? यू नो, तब हम कह सकते हैं कि ये नरेन किसी बिजनेस डील के लिए बाहर गया हुआ है। और हमारा बिजनेस पार्टनर अर्जुन, वो तो ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ है, सभी जानते हैं। यू नो, अगर रौनक यहाँ पर होता ना तो हमको ये सब सोचना ही नहीं पड़ता। नरेन की एब्सेंस में हमेशा रौनक इन क्लाइंट्स को हैंडल किया करता था,
कम से कम नरेन या रौनक दोनों में से किसी का तो क्लाइंट्स को मिलना बहुत जरूरी है। क्या हम किसी तरह रौनक को वापस नहीं ला सकते कुछ दिन के लिए? शेखर, शेखर तुम तो रौनक के लॉयर हो, कुछ करो प्लीज। यू नो मे बी पैरोल और समथिंग। हम तो आए दिन अखबार में पढ़ते हैं ना कि मर्डर केसेस के बाद में भी लोगों को पैरोल मिलता है, तो ट्राई प्लीज दो दिन के लिए किसी तरह रौनक को बाहर निकालो शेखर। यू हैव टू डू इट। इट्स रियली नॉट पॉसिबल मैम। ये कोई चोरी का केस नहीं है, इट्स अ रेप केस। और ऐसे मामले में पैरोल मिलना बहुत मुश्किल है। रुशाली इनफ, रौनक को वापस लाने के बारे में सोचना भी मत। औरत हो तुम, तो जानती हो रौनक ने क्या किया है। वो अगर रौनक घर वापस आता है तो अंकिता क्या सोचेगी? और अंकिता की छोड़ो, नरेन, नरेन बेचारा बीमार है, पर उसे पता चल जाएगा कि रौनक घर वापस लौट गया है तो हैव यू गिवन दैट अ थॉट? रौनक इस घर में वापस नहीं आएगा।